नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा छठी विषय हिंदी, हिंदी विषय में बच्चों आज हमारा पाठ 6 स्वास्थ्य संपदा। इसके लेखक है महात्मा गांधी जी। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात। मृत्यु 30 जनवरी 1948। परिचय, आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है कि खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वस्थ जीवन की पूंजी है। पाठ का परिचय। हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होती है। बच्चों, जो हमारा स्वास्थ्य है ना, ये सबसे बड़ी संपत्ति है। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो हमें सारी दुनिया अच्छी लगती है। हम अपना पढ़ाई कर सकते हैं, सारा काम कर सकते हैं। और ऐसे कहा गया है बच्चों, पहला सुख निरोगी काया। अच्छे स्वास्थ्य के लिए जितना आवश्यक है सीमित और संतुलित भोजन, उतना ही जरूरी है उचित व्यायाम। तो बच्चों, अगर हमें अपना स्वास्थ्य को अच्छा रखना है तो उसके लिए हमें व्यायाम करना चाहिए और खाना, संतुलित खाना खाना चाहिए। बच्चों, जो हमारा पाठ है ये एक पत्र लेखन है। इसमें महात्मा गांधी जी जमनालाल को पत्र लिख रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो हम देखते हैं पत्र में क्या लिख रहे हैं। बच्चों, पत्र शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखा है, चलो हम इसे देख लेते हैं। कार्य हमारा। चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों से वाक्य बनाओ। बच्चों, यहाँ पे चित्र है, उसे हमें देखकर वाक्य बनाना है। जैसे ये हमारा पहला चित्र है, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है, इस लड़की के हाथ में सेब है और सेब को थोड़ा खाया हुआ है। तो हम इधर वाक्य बना सकते हैं बच्चों कि सीमा सेब खा रही थी। क्या वाक्य हो गया, सीमा सेब खा रही थी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये दो बच्चे हैं, ये क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दिख रहा है ना आपको चित्र में। तो यहाँ पे आप कह सकते, एक वाक्य बना सकते हैं, बच्चे हंस रहे थे। अभी यहाँ पे देखो, ये बच्चा क्या कर रहा है, ये खाना खा रहा है। तो यहाँ पर आप एक वाक्य बना दो कि मैं अपना खाना स्वयं खा लेता हूँ। फिर ये देखो, इसमें एक चित्र में माँ छोटी बच्ची को खाना खिला रही है, तो हम वाक्य बना सकते हैं, माँ अपने बच्चे को खाना खिला रही है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है बताओ। यहाँ पे ये व्यक्ति है और ये देखो ये महिला है और एक ये लड़की है। तो यहाँ पे वाक्य हो सकता है, रवि अपनी बहन को खाना खिला रहा है ना, भाई भी खिला सकता है खाना। आगे देखो, अभी इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, एक महिला है और एक छोटा सा बच्चा है, वो सो रहा है, दिख रहा है ना। तो हम वाक्य बना सकते हैं, माँ अपने बच्चे को सुला रही है ना। अभी ये देखो, ये चित्र है, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, ये कपाट है और सब सामान नीचे गिर रहा है ना। देखो गुड़िया भी गिर रही है, तो हम वाक्य बना सकते हैं, गुड़िया अलमारी से गिर रही है ना। ये हम वाक्य बना सकते हैं। ये देखो बच्चों, मैं आपके लिए वाक्य लिखी हूं। पहले चित्र में सीमा सेब खा रही है, बच्चे हंस रहे थे, गुड़िया अलमारी से गिर गई है, माँ अपने बच्चे को सुला रही है, रवि अपनी बहन को खाना खिला रहा है, मैं अपने आप खाना खा लेता हूँ, माँ अपनी बेटी को खाना खिलाती है। तो बच्चों, ये वाक्य मैंने आपके लिए लिख भी दिया है। ठीक है, अब चलो बच्चों हम अपना पत्र शुरू करते हैं। चिरंजीव जमनालाल जी का अर्थ है चिरंजीव। जब हम किसी अपने से छोटे को पत्र लिखते हैं ना बच्चों,
तो हम चिरंजीव लिखते हैं। जमनालाल, ये जो गांधी जी हैं ये इनसे बड़े हैं। गांधी जी जमनालाल जी को अपने बेटे की तरह मानते हैं। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। गांधी जी कहते हैं कि अभी तुम्हारा पत्र मुझे प्राप्त हुआ है और मैं उसे पढ़ा, अब मैं उसका जवाब लिख रहा हूँ। बच्चों, जब कोई हमें पत्र लिखता है तो हमें उसका जवाब लिखना पड़ता है ना। तो गांधी जी के पास जमनादास जी का पत्र आया था, तो गांधी जी ने वो पत्र पढ़ा और वो पत्र पढ़ के जमनादास जी को उत्तर दे रहे हैं, जवाब लिख रहे हैं। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। यहाँ पे गांधी जी कहते हैं कि तुम चाहते हो कि बहुत सारा आशीर्वाद और प्यार टोकरियों में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। गांधी जी कहते हैं कि तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में, तुम्हारे स्वास्थ्य के बारे में सब कुछ जानने के बाद जो विचार मैंने आपको बताए हैं उन पर मैं भी स्वयं दृढ़ हूँ। गांधी जी कह रहे हैं जो मैंने आपको बताया है उस सारे नियम का पालन मैं भी करता हूँ। तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं समझता। शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। गांधी जी कहते हैं कि जो ये हमारा शरीर है ये एक अमानत है और हमें इसे अमानत ही समझकर इसकी रक्षा करनी चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए, ये हमारा धर्म है, कर्तव्य है। मौज मजे के लिए गुड़ की एक डली भी ना मांगो। गांधी जी कहते हैं कि मौज मजे के लिए, अपने मन को खुश करने के लिए, अच्छा लगने के लिए गुड़ की एक डली मतलब एक भेली, एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मांगो। ना लो, ना मांगो और ना लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। गांधी जी कहते हैं कि अगर औषधि मतलब बच्चों दवा के तौर पर अगर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो उसे भी प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं है। इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके तो खिलाना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि ऐसी स्थिति में अगर दूसरों को भी ऐसा ही खाना अगर खिलाना पड़े तो उसे खिलाना चाहिए। मेरी दृष्टि में जितने गेहूं मिलते हैं उतने खाने की जरूरत नहीं। इसका अर्थ है बच्चों, गांधी जी कह रहे हैं कि हमको जितना खाने की थाली में जितना खाना मिले वो सारा खाना खाने की हमें जरूरत नहीं है, हमें उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी हमें भूख हो। ठीक है, गांधी जी क्या कहना चाह रहे हैं? गांधी जी कहना चाह रहे हैं कि हमारी थाली में बहुत सारा रखा है खाना, तो हम सारा का सारा खाए ऐसा जरूरी नहीं है, हमें उतना ही खाना चाहिए जितने की हमें जरूरत है, जितनी हमारी भूख हो। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। गांधी जी कह रहे हैं कि गुड़ को बिल्कुल इस्तेमाल मत करो, ये मैं उचित मानता हूँ। गुड़ का इस्तेमाल ना के बराबर करो, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना मैं उचित मानता हूँ। अगर आप लोग गुड़ खाना छोड़ देते हो तो मैं उसको ठीक मानता हूँ। बच्चों, गुड़ खाना तो अच्छा है लेकिन जैसे किसी को शुगर की बीमारी है तो उनको गुड़ खाना अच्छा नहीं है। तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं। गांधी जी कहते हैं कि आपके शरीर को गुड़ की थोड़ी भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले
निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है। गांधी जी कहते हैं, गुड़ के बदले शहद लेना ज्यादा अच्छा होता है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। सबसे पहले गांधी जी क्या कहते हैं कि गुड़ खाना मत खाओ, उसे खाना छोड़ दो। सबसे पहले बोल रहे हैं गुड़ को खाना छोड़ दो, इसे मैं उचित मानता हूँ, सही मानता हूँ। अगर तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है, क्यों? क्योंकि जो आपका शरीर है उसको गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। अगर शुगर पेशेंट है तो उसको गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। इसके बदले तुम्हें शहद लेना चाहिए, लेकिन अगर अच्छे ताजे फल मीठे फल तुमको मिल रहे हैं तो शहद लेने की भी जरूरत नहीं है, तब हमें ताजे मीठे फल ही खाना चाहिए। ये देखिए गांधी जी बोल रहे ना, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ, तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं, इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा है, परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी जरूरत नहीं। गांधी जी कह रहे हैं कि गुड़ को छोड़ देना बहुत अच्छा है, गुड़ की जगह पे आप शहद लो, लेकिन अगर आपको ताजे फल मीठे ताजे फल मिल रहे हैं तो शहद लेने की भी जरूरत नहीं है। दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अगर आप ज्यादा दूध पी रहे हो, अगर समझो आप एक ग्लास दूध पी रहे हो, तो आप उसकी मात्रा बढ़ा दो, आप दो ग्लास दूध पियो, ये अच्छा है। गांधी जी ये सारी बातें किसको बता रहे हैं? जमना लाल जी को बता रहे हैं। जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो, यह ठीक ही है। गांधी जी कह रहे हैं अगर आप जैतून के तेल की जगह पे मक्खन लेते हो, उसका इस्तेमाल करते हो मक्खन का, तो ये अच्छी बात है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते हैं। बच्चों, जो मक्खन में विटामिन होते हैं ना, वो जैतून के तेल में नहीं होते हैं। गांधी जी ये सारी बात जमना लाल जी को बता रहे हैं। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए। आप सभी बच्चे हरी सब्जी नहीं खाते हो, है ना? खाना चाहिए बच्चों, वो बहुत जरूरी होती है। अभी तो देखो हमारे राष्ट्रपिता भी हमसे कह रहे हैं साग में हरी सब्जी होना चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं, इनमें स्टार्च होता है, तुमको स्टार्च की कम से कम जरूरत है, और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन, दूध, कॉफी है, इसके घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। ये जो मक्खन, दूध, कॉफी है, ये इसको क्या है, इसको घटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। आपका वजन कम है तो इस्तेमाल करिए, ज्यादा है तो मत करिए, वजन के ऊपर है। वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। जब तक आपका शरीर उसे हजम कर लेता है तब तक हमें मक्खन और दूध ये दोनों की मात्रा बढ़ाते ही रहना चाहिए। तरकारियों में, तरकारियों मतलब भाजी, भाजी को तरकारी भी बोलते हैं बच्चों। तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, इन सब की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। तो जो अच्छी सब्जी होती है ना हरी सब्जी, उसमें लौकी है, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज की सेम, बैगन, ये सब हरी सब्जियों में होती है। इनकी गिनती किसमें होती है? हरी सब्जियों में होती है। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि जो गेहूं का आटा है वो चोकर मिला हुआ होना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, गेहूं के आटे को छलनी से छान लेते हैं और फिर उस जो छान के गेहूं निकलता है उसकी रोटी बनाते हैं, और जो चोकर निकलता है उसे फेंक देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, चोकर बहुत अच्छा रहता है। हमें गेहूं के साथ आटे का चोकर भी इस्तेमाल करना चाहिए। गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। अगर गेहूं को एकदम से साफ करके पीसते हैं तो उसका कोई भी अंश नहीं
फेंकना चाहिए। फल में ताजे अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग है। गांधी जी कह रहे हैं कि फल में, ताजे फल में अंगूर, मौसम्बी, संतरा, अनार, सेब, अनानास ये लेने चाहिए, ये लेने योग है। आजकल जो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीजें नहीं मिला देनी चाहिए। गांधी जी कह रहे हैं कि अमेरिका में जो प्रयोग हो रहा है ना, उससे मालूम होता है कि एक साथ बहुत सी चीज नहीं मिलानी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं, फल को अकेले ही खाना चाहिए। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है, और जब भूख लगी हो तब खाना बहुत अच्छी बात है। अंग्रेजी में कहावत भी है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी, इसलिए पहला खाना अकेले फल का होना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अंग्रेजी में, इंग्लिश में कहावत है कि सुबह का जो फल वो सोना है और दोपहर का चांदी है, इसलिए पहला खाना अकेला फल का ही होना चाहिए। अर्थात हम सुबह जो नाश्ता करते हैं ना बच्चों, उसमें फल होने चाहिए। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? गांधी जी पूछ, ये जमुना लाल जी से पूछ रहे हैं कि क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं। गांधी जी कहते हैं कि सुबह अगर हम गर्म पानी पीते हैं तो उसमें कोई भी नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाजत मिल सकती हो तो लेनी चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको 2400 घंटे खुली जगह में रहने की इजाजत मिल सकती है तो आपको वो इजाजत लेनी चाहिए। ये देखो बच्चों, यहाँ पे सारे फ्रूट्स रखे हैं, सब्जियां रखी हैं, है ना। आगे, खुली हवा में रोज धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कि सुबह खुली हवा में अगर आप प्राणायाम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और रात की जो ठंडी है उससे डरने की जरूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं। गांधी जी कहते हैं कि कंबल गले पर अच्छी तरह से ओढ़ लेना चाहिए और सिर और कान पर कपड़ा को लपेट लेना चाहिए, इसमें कोई हानि नहीं है। 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए। गांधी जी कहते हैं कि 24 घंटे अगर शुद्ध अच्छी अच्छी ताजी हवा फेफड़ों में जाए तो यह अच्छा है, यह अति आवश्यक है। जो हमारे फेफड़े हैं ना बच्चों, उसमें शुद्ध हवा जाएगी वो ज्यादा अच्छा है। तो सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं ना, वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छी बात है बच्चों। अगर आप नहीं करते हो तो आप ज्यादा नहीं 10-15 मिनट ही करिए, लेकिन सुबह क्या इतना गाड़ी भी नहीं चलती है तो प्रदूषण भी नहीं रहता है और सुबह का वातावरण एकदम साफ और स्वच्छ रहता है। तो सुबह सुबह बच्चों अगर आप वॉक कर सकते हो तो आप जरूर करिए। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। गांधी जी कहते हैं कि अगर सुबह की धूप आप सहन कर सकते हो, बहुत लोगों को धूप से एलर्जी होती है तो वो धूप में नहीं जा सकते हैं, लेकिन जो धूप को सहन कर सकते हैं तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा खुले हवा में रहना चाहिए। जितना वो रह सकते हैं धूप में उतना उन्हें जरूर रहना चाहिए, लेकिन सुबह की धूप, दोपहर की धूप नहीं। दोपहर में बहुत तेज हो जाती है, यहाँ पे सुबह की धूप की बात की गई है। सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको उतना रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल ही रही है, वहां जो साथी रहते हो और जो आए सो हम तीनों को यथायोग आशीर्वाद पावे। माधव, गांधी जी कह रहे हैं माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, यहाँ जो साथी रहते हो और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग आशीर्वाद पावे। बापू के आशीर्वाद। और गांधी जी बोल रहे हैं
कि आपको मेरा आशीर्वाद। ये देखो बच्चों, जब सुबह धूप निकलता है ना, तो उस समय हमें थोड़ा वॉक करना चाहिए। सुबह की जो धूप होती है ना, उसे हमें सेकना चाहिए। जो धूप होती है ना बच्चों सुबह की, उसमें विटामिन डी रहता है, वो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन दोपहर की धूप से हमें बचना चाहिए। और सुबह हो सके तो आप मॉर्निंग वॉक पे जाइए, व्यायाम करिए। देखो इस चित्र में दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि सुबह इतना प्रदूषण नहीं रहता है, वाहन इतने ज्यादा नहीं चलते हैं, तो उस समय की जो हमारी हवा रहती है वो एकदम शुद्ध हवा रहती है। तो बच्चों अगर आप मॉर्निंग वॉक नहीं करते हो तो आप करिए। आप आधा एक घंटा व्यायाम मत करिए, लेकिन एक 10 मिनट आप व्यायाम जरूर करिए। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मैं भी करती हूँ बच्चों, आप भी करिए, ठीक है। अब बच्चों हम इसके स्वाध्याय पढ़ेंगे। स्वाध्याय पढ़ने से पहले बच्चों आप मुझे ये बताओ कि इस पाठ से आपने क्या सीखा, आपको क्या सीख मिलती है इस पाठ से। गांधी जी हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं? गांधी जी हमें एक सीख दे रहे हैं कि हमें अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक होना चाहिए, समय पर व्यायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन का उपयोग करना चाहिए, है ना बच्चों। तो चलो अब हम इसके स्वाध्याय करते हैं। मैंने समझा, तो बच्चों आपने क्या समझा वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपने क्या समझा? आपने यही समझा ना कि जो हमारा स्वास्थ्य है ये सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख सुविधा हमारी मुट्ठी में है। इसलिए हमें संतुलित भोजन करेंगे और व्यायाम करेंगे तभी तो हमारा शरीर निरोगी रहेगा, वो सब जरूरी है। तो वो आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। शब्द वाटिका, नए शब्द, अमानत, धरोहर, धाती, निर्दोष, दोष रहित, सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, चोकर, गेहूं का आटा छानने के बाद बचा हुआ भाग, उद्वेग, प्रबलता, इजाजत, अनुमति, खोजबीन, खादी का कपड़ा कैसे बनता है इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। तो बच्चों आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए और इसकी जानकारी लिखिए, ठीक है। अगला, अध्ययन कौशल्य, पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। तो बच्चों आप अपना पढ़ाई का कैसे नियोजन करते हो उसकी दिनचर्या तो आपको पता है, तो आप इसे स्वयं लिखिए। आपका पढ़ाई के नियोजन का दिनचर्या क्या है वो आप लिखिए, ठीक है। अगला प्रश्न बच्चों, सुनो तो जरा, दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। बच्चों आपके घर में टीवी रेडियो तो है ही है, आजकल तो टीवी सभी के घरों में होता है। रेडियो नहीं होगा वो मैं मान सकती हूँ, लेकिन रेडियो भी रहता है मेरे पास, टीवी और रेडियो दोनों है। तो बच्चों उस रेडियो और टीवी पर आप कुछ जो कार्यक्रम देखते हो ना, उसको ध्यान से देखिए और बाद में उसे अपने घर में अपने बड़ों को सुनाइए, या फिर हम कक्षा में मिलेंगे तो आप सभी बच्चों को सुनाओगे, ठीक है। तो आपको जो दूरदर्शन पे आप जो कार्यक्रम देखते हो उसको ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको उसके बारे में बताना है। बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। तो बच्चों संतुलित आहार पे 5 वाक्य बोलो, मेरे कौन बोलेगा? आप ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, आप ये बच्चों करो और मुझे व्हाट्सएप पे भेजो, ठीक है। वाचन जगत से, अगर ये किसी को नहीं आएगा तो इसका उत्तर मैं आपको बता दूंगी। वाचन जगत से, साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। बच्चों आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको बहुत सारे लोगों के पत्र मिल जाएंगे, तो उसमें आप साने गुरुजी जी का पत्र पढ़िए और फिर उसके बारे में हम चर्चा करेंगे स्कूल में, ठीक है। लेकिन आप लोग स्कूल खोलेगा तब साने गुरु जी का पत्र पढ़कर आइए, गूगल पे आपको सब मिल जाएगा। बच्चों मेरी कलम से,
अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। आपका कोई फ्रेंड है तो आप उसे शुभकामना या बधाई पत्र लिखो। जैसे उसके परीक्षा में अच्छे मार्क्स आए हैं तो उसे बधाई दे दीजिए, या उसका जन्मदिन है तो उसे बधाई पत्र लिखो। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अभी हमें क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर लिखना है। हमारा पहला प्रश्न क्या है, जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है बच्चों, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वह जैतून के तेल में नहीं होते हैं, इसलिए जैतून के तेल की जगह मक्खन को लिया जाना चाहिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, रक्षक का धर्म कौन सा है? तो इसका उत्तर है बच्चों, शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। प्रश्न तीसरा, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है? तो इसका उत्तर है बच्चों, लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैगन की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अगला प्रश्न बच्चों, फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है? तो फेफड़ों के लिए शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए या फेफड़ों के लिए आवश्यक है। ठीक है बच्चों, इसके प्रश्न उत्तर मैं आपको लिख कर भी दे दूंगी। ठीक है, सदैव ध्यान में रखो, नव युवकों की शक्ति देश हित में लगनी चाहिए। ये बच्चों आप ध्यान में रखिए, आपकी जो शक्ति है, जो ताकत है, उसको देश हित के लिए लगाओ, देश को आगे बढ़ाने के लिए। विचार मंथन, स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन है उत्तम साधन। बच्चों अगर हमारा स्वास्थ्य, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन भी खुश रहेगा, हम खुश रहेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें व्यायाम करना पड़ेगा और संतुलित खाना लेना पड़ेगा, है ना। आगे भाषा की और, निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके उनके प्रकार लिखो। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है। तो उसके पहले बच्चों भी आप मुझे ये बताइए कि विशेषण किसे कहते हैं। तो सुनिए, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, हरी घास, यहाँ आकाश और घास, ये क्या है, संज्ञा है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, जो विशेषण है बच्चों ये चार प्रकार का होता है, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, सर्वनामिक विशेषण। तो पहले गुणवाचक विशेषण किससे कहते हैं वो सुनो बच्चों। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुण दोष रंग आकार आदि का पता चलता है उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वीर, अशोक, बड़ा, मैदान, ये गुणवाचक है। संख्यावाचक, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की संख्या का पता चलता है उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 10 आम, 30 विद्यार्थी, 20 लड़कियां, हमें संख्या का बोध होता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अब तीसरा है परिणामवाचक विशेषण, जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की माप अथवा तौल का पता चलता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो शक्कर, 2 मीटर कपड़ा, है ना, माप हो गया ना 2 मीटर कपड़ा। इसके बाद है आखिरी सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाने पर विशेषण का काम करते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे मेरा भाई, वह, घर।
मेरा भाई में मेरा, ये सर्वनामिक विशेषण है। वह घर में वह, ये सर्वनामिक विशेषण है। यहाँ पर पांच लिखा है, तो पांच क्या है बच्चों? संख्यावाचक, ये संख्यावाचक विशेषण है। अब इसका एक वाक्य हमें बनाना है। मेरी कक्षा के पांच लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए। अभी दूसरा है यही, ये यही, तो ये कौन सा सर्वनामिक, ये कौन सा विशेषण है? ये सर्वनामिक विशेषण है। यही क्या है? सर्वनामिक विशेषण है। तो इसका वाक्य यही मेरा घर है। अब ये कुछ, ये कौन सा विशेषण है? ये परिणामवाचक विशेषण है। इसका वाक्य देखिए, टोकरी में कुछ आम रखे हैं। अब ये मीठी, ये कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक विशेषण है। गुण बता रही है कि मीठी है। नाम, वाक्य देखो बच्चों, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। हमने वाक्य बनाया, मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। ठीक है बच्चों? बच्चों अगर आपको विशेषण का एक अच्छे से वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों की इच्छा रहेगी तो मैं विशेषण पे एक अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। ठीक है बच्चों? तो बच्चों यहाँ पर हमारा स्वाध्याय खत्म हो गया है। अब स्वाध्याय के कुछ प्रश्न और है, समानार्थी है, वो सब मैं आपको आगे दे देती हूँ। ठीक है बच्चों? तो चलो हम आगे का स्वाध्याय देखते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों? तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।